तमाम जो है जो उनके जो सपना है, जो उनके जो आदर्श है, उनके जो विचार है, इसको धरातल पर उतारने का काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। ये हमेशा आप जानते हैं कि किसकी लड़ाई लड़े, भाईचारा और देश के विकास के लिए। जो उनके शासन है, शासन में पिछड़ा अति पिछड़ा सब सबको सम्मान के लिए। सम्राट अशोक जयंती को लेकर कल उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट किया कि जदयू में अब कुछ बचा नहीं है, हम सब कुछ लेकर आए हैं और खाली डब्बा है। अब जिसको लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने हमला बोलते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड ही कुशवाहा समाज का जो पुराना घर है, जनता दल यूनाइटेड ही कुशवाहा समाज को इज्जत दिला सकता है, जनता दल यूनाइटेड ही पुश्तैनी है। देखिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के सवालों को लेकर कैसे उमेश कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया और जनता दल यूनाइटेड में कुशवाहा समाज के लोगों को सम्मान मिला है, खासतौर पर सम्राट चौधरी को लेकर भी जिक्र किया और अपने पूरे बयान के दरमियान उन्होंने स्पष्ट किया कि जदयू ही असली कुशवाहा की पार्टी है। पूरा बयान हम सुनवाते हैं उमेश कुशवाहा का। उसका घोषणा अवकाश का घोषणा किए और सरकारी सम्मान के साथ उनको मनाने का उन्होंने नेता ने फैसला लिया। और उसके बाद आप जानते हैं कि अशोक रघुवंशन बनाया गया, तमाम जो है जो उनके जो सपना है, जो उनके जो आदर्श है, उनके जो विचार है, इसको धरातल पर उतारने का काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने भी जयंती मनाई है और कहा है कि नीतीश कुमार को जो हराएगा हम उनका साथ देंगे। देखिए आप सभी जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में जो गांधी जी, लोहिया, जयप्रकाश अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर जी, इन लोगों का जो विचार है, जो उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई दिलाई, जो आज़ाद कराया देश को, और उनके आदर्श, उनके विचार, उनको व्यवहार के रूप में हमारे नेता ही काम कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। बहुत लोग तो जयंती मनाते हैं जो भ्रम करते हैं तरह वो किनके गोद में जाकर जो जयंती मना रहे हैं। ये हमेशा आप जानते हैं कि किसकी लड़ाई लड़ रहे थे, सम्राट अशोक जो है समानता और भाईचारा और देश के विकास के लिए। जो उनके शासन है, शासन में पिछड़ा अति पिछड़ा सब सबको सम्मान के लिए वो हमारे नेता कर रहे हैं, उनके जो विचार हैं उनके पद चिन्ह पर चल रहे हैं हमारे नेता, सब लोग जानते हैं। जो आज देश को विभाजन करना चाहता है उनकी बातों को जनता समझ रही है, जनता ठगने वाली नहीं है, ठगाने वाली नहीं है, समझे, जनता समय पर जवाब देगी। सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्या लग रहा है कि वो जो है वो तब्दील हो जाएगा बीजेपी के तरफ? देखिए ये तो बीजेपी के पार्टी का मामला है, बीजेपी इस पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि कुशवाहा अपना पुश्तैनी घर जनता दल यूनाइटेड को समझता है और यहाँ से ही सभी कुशवाहा समाज का कल्याण होता है। आप देख रहे हैं जो लीडर जहाँ आप इशारा कर रहे हैं सब लोग यहीं से उस वहाँ तक के पहुँचे हैं, उनको यहीं से मिला है उनको मौका, इसीलिए हम उस पर विशेष कुछ कहेंगे नहीं। अब वो कह रहे हैं कि खखोरनी भी नहीं बचा है आपके डब्बे। अरे बोलने के लिए कुछ है उनको, उन पर कुछ कहने के लिए है बाकी है बचा हुआ का उनको। आज जिस तरह से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान देने का काम किया, ये दोहराने की चीज है, सब लोग जानते हैं, सभी विदित है। और आज किसके गोद में जाके खेल रहे हैं, कहाँ हैं, किस विरासत बचाने की बात कर रहे हैं? जो गांधी जी, लोहिया जी जो विरासत देखे हैं, विरासत उनकी विरासत वो बचाने की बात कर रहे हैं, जो आज जिनकी आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं रही है। थैंक्स सर। सर सर अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।